हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, मैं हिमांश, क्लियर डिप्स क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। दोस्तों, आज अपन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पार्ट टू करेंगे। जो एचबीए क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं ना, 2021 सभी नोटिफिकेशन आया उसकी, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट से कैसे सोल्व करना है, प्लस रूट वाली इक्वेशन भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो मैंने तरीके बताए ना, उन तरीकों से आप दोस्तों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन है ना, 1.5 से 2 मिनट में कर दोगे आप आराम से, अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो। और एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए इनको जल्दी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप इनको जल्दी करोगे, तभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट होंगे, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये आपको अच्छे से सीखने हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, तो मैं वापस पढ़ा दूंगा, इनइक्वलिटी और ये सब वापस पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कल इसका पार्ट 1 किया था, उसके 8 क्वेश्चन किए थे, आज अपन 7 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ताकि आपके सारा डाउट क्लियर हो जाए। पीडीएफ के लिए दोस्तों एचपी सक्सेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आज मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों इसी चैनल पर स्ट्रेटजी की वीडियो, प्लस आपको मतलब किस स्टेट से फॉर्म भरना है उसके ऊपर सारी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। और नए हो अगर चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको एसबीआई क्लर्क की, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी लगे हुए हैं एसबीआई के अंदर, तो एसबीआई क्लर्क की सैलरी स्लिप की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना, तो एसबीआई क्लर्क की सैलरी स्लिप की वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको उससे थोड़ा बूस्टअप मिलेगा कि हाँ मिलता ही है, ऑब्वियसली अपन सैलरी देखते तो हाँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही अपन को, तो ठीक है। तो उसकी सैलरी स्लिप की वीडियो मैं बना दूंगा जल्दी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 2x² - 11x + 14 = 0, 2y² - 7y + 6। अब मैंने आपको कल क्या बोला था कि अपन को क्या, ये लास्ट वाली संख्या होती है ना, इसके फैक्टर करने होते हैं। ये साइन डिसाइड करता है कि जो फैक्टर होंगे ना वो ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, बाकी इक्वेशन में क्या होता है, ये x² का कोफिशियंट 1 होता है, बट यहाँ पे अगर x² का कुछ कोफिशियंट है, कुछ भी है, तो क्या करते हैं, ये वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फिर उसका फैक्टर करना होता है। तो यहाँ क्या होगा, 14 × 2 हो जाएगा 28। अब 28 का इससे 2 फैक्टर करो, जिनको ऐड करने पे 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए, ठीक है। अब देखो 28 के करने अपन, है ना, 28 से पहले स्क्वायर किसका है, 5 का स्क्वायर है, तो 5, एक संख्या 5 से नीचे ले लो, एक संख्या 5 से ऊपर ले लो, तो 4 और 6 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा 28। तो अपन को पता है 28 कहाँ से आता है, 4 × 7 से ही आता है, ठीक है। तो 7 × 4 = 28 होता है, प्लस 7 और 4 को ऐड करने पे क्या आएगा, 11 आएगा, ये भी क्लियर है। तो दोनों फैक्टर क्या आएंगे, माइनस और प्लस है, तो सिंबल एक्स के दोनों फैक्टर प्लस प्लस आएंगे, यहाँ पे क्लियर हो गया, और वाई के बाद में निकलेंगे, ठीक है। तो दो फैक्टर कौन से आए थे, 7 × 28, 7 और 4 आया था। ये आप तो देख रहे हो, 14 के नहीं करने, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करके फिर उसके फैक्टर करने, क्यों, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अपन को ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब क्या करेंगे, जो दो फैक्टर आएंगे ना उनको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ कितना आएगा 3.5, यहाँ कितना आएगा 2। तो एग्जाम में ये है ना, डिवाइड का लिखना नहीं, डायरेक्ट करना है आप, जब जल्दी होगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी माइनस और प्लस है, तो दोनों फैक्टर क्या आएंगे, प्लस। अब भी वापस 6 का फैक्टर करने का नहीं, इसको इससे गुणा करेंगे, 6 × 2 होगा 12। अब 12 को ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, अब यहाँ पे सिंबल प्लस है, तो उसका ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, ठीक है। तो 4 और 3 ही होते हैं, ऑब्वियसली बात, 12 के फैक्टर तो सबसे सिंपल ही है, तो 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, 4 × 3 = 7 भी हो रहा है, 4 × 3 = 12 भी हो रहा है, ठीक है। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, कितना आ गया 2, 1.5। अब देखो कंपेयर करेंगे, तो पहले 3.5 को कंपेयर करेंगे इससे, फिर इससे, ठीक है। 3.5 इन दोनों से बड़ा है, देखो क्लियर दिख रहा है एक साथ ही, तो ये ठीक है, सॉरी 3.5 दोनों से बड़ा है, तो ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन। अब 2 और 2 इक्वल है, 2 इससे भी बड़ा है, इक्वल और बड़ा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, x > y, क्लियर हो गया नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको डी आई भी सीखनी है बेसिक से, प्री लेवल वाली डी आई भी मैंने सिखा रखी है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल दूंगा, प्री लेवल वाली डी आई मैंने 5 करवा रखी है अभी एसबीआई क्लर्क प्री के लिए, तो अब मैं और करवा दूंगा आपको प्री एग्ज़ाम तक, ठीक है। कैशलेट भी करवा दूंगा, क्योंकि कैशलेट भी आएगी प्री में, ठीक है ना, तो कैशलेट की भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है लीनियर वाला दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखना, लीनियर का 2 क्वेश्चन है, और लीनियर का दोस्तों 1 क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
लीनियर को अपन अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो लंबा पड़ेगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन है, इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखनी है अपन को, 4x + 3y = 11, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू के अपन को क्या एरो चलना है, ऐसे ये एरो ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो अपन को क्या करना है, सेवन पहले आधा आधा काम करना है, ये दो प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो 7 × 3 करेंगे क्या आएगा, 21, ठीक है। माइनस, फिर माइनस करना है अपन को, फिर इन दोनों को गुणा करना है, 4 × 4 कितना होता है, 16। तो 21 - 16 कितना होगा, 5x, तो वो आएगा 5, तो वहाँ उसको x लिखना है, ठीक है। फिर आगे इक्वल लगाना है, फिर आगे करना है अपन को, फिर आगे पूरा करना है, फिर आगे चलना है, 3 × 18 कितना होगा, 54, क्लियर। फिर करेंगे 11 × 4 - 44, तो वैल्यू कितनी आएगी, 10, तो x की वैल्यू आ गई 2। इससे फास्ट तो है ही नहीं दोस्तों, समझ में आया कैसे करना है। तो x की वैल्यू तो आ गई, अब y की वैल्यू निकालने के लिए या तो x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके निकालना है तो वो भी लेंथी होगा, तो y के लिए अपन क्या करेंगे, y के लिए भी यही प्रोसेस यूज़ करेंगे। अब y कहाँ से मिलेगा अपन को दोस्तों, y मिलेगा कॉर्नर वालों से, इनसे इनसे मिलेगा। और फिर क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो y कहाँ से मिलेगा, y इक्वल टू ऐसे करेंगे 11 × 7 = 77 माइनस 18 × 4 = 72 डिवाइड बाई करेंगे x का फैक्टर कितना है, 5 तो ये यहाँ कितना आएगा, 77 - 72 5 / 5 तो 1। तो x 2 आया, y 1 आया, तो x ऑलवेज ग्रेटर देन y, समझ में आया। तो एक बार वापस बता दूँ, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से सीखना है आपको, तो इसकी प्रैक्टिस करना आप। कैसे लिखा है देखो, मैं बड़े बड़े अक्षर में लिख के बताता हूँ आपको वापस। 7x + 4y = 18, ठीक है। फिर अगली क्वेश्चन है 4x + 3y = 11, ठीक है। फिर इसको अपन यहाँ तक लेके चलेंगे, फिर इसको यहाँ तक लेके चलेंगे पहले, ठीक है। ये आधा प्रोसेस है, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करके घटाएंगे, ठीक है। तो 7 * 21 - 4 = 16, 21 - 16 = 5, तो ये x लिख देंगे इक्वल टू। फिर क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे 18 * 54 = 11 × 4, तो 54 - 44 तो ये कितना आ गया, 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और y अपन को कहाँ मिलेगा, y अपन को यहाँ कॉर्नर वैल्यू से मिलेगा, इससे और इससे, ठीक है। y इक्वल टू आएगा 7 × 11 = 77 - 18 × 4 = 72 / x का कोफिशियंट कितना है इसके अंदर, 5 है 5, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि इसको सब्सट्रैक्ट करने पे y है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, लीनियर इक्वेशन वाला, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये 2x - 3y ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करना था अपन को, इसको इसके नीचे लिखना है 7x - 2y = 20, ठीक है। अब क्या करना है, इसे चलना है x दो दो नहीं, अब देखो 2 × -2 है, ठीक है, तो कितना होगा -4। इसको ऐसे करना है, फिर करना है इसको इससे, फिर क्या करना था -3 × 7 करेंगे तो आएगा -21, 7 * 21। बट इसको इससे अपन ने वो माइनस करा था, यहाँ पे अपन ने माइनस करा था ना, 21 - 16, तो ये माइनस करेंगे तो अपन को डायरेक्ट पता है, तो क्या हो जाएगा -4 - - प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा -4 + 21 - 4 + 21 कितना हो जाएगा 17, तो हो गया 17x = 2। फिर आगे क्या करना है, आधा प्रोसेस हो गया, फिर यहाँ से चलेंगे -2 × 13 कितना हो जाएगा, -26, फिर करना है -3 × 20 प्लस एक और माइनस आएगा, तो -- क्या हो जाएगा +60, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 34 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, 17 से 2 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई, क्लियर, समझ में आ गया। अब y निकालना, y कहाँ से आता है, y बॉर्डर से आता है, कोने वाले से, इससे और इससे, ठीक है। तो पहले अपन इससे करेंगे 20 × 2 वो, ठीक है। पहले अपन क्या करेंगे, इसको 20 × 2 = 40, ठीक है। फिर करेंगे माइनस 7 × 13 कितना आएगा, 13 × 3 = 9 डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट कितना है, 17, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आएगी, तो 40 - 50 - 51। अब आगे सोल्व करना है क्या, आप बताओ, क्योंकि y माइनस में आ रहा है, x पॉजिटिव है, तो x हमेशा ही ग्रेटर देन होगा y, क्लियर हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन वाला अच्छे से समझा दिया दोस्तों मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये जल्दी इसी तरीके से होगा। बाकी तो क्या करना है, फिर नॉर्मल जैसे अपन बचपन में करता है 10th क्लास में,
दोनों को कोफिशियंट को सेम बनाओ और फिर एक दूसरे को घटाओ, फिर एक्स आएगा फिर वाई आएगा, काफ़ी लंबा होगा ये, थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब रूट वाला है दोस्तों ना। रूट वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन रूट टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस फाइव रूट टू वाई इक्वल टू प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करना है अपन को दोस्तों, देखो ट्वेंटी फोर के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर सेवन रूट टू आए और ऐड करने पर, सॉरी मल्टीप्लाई करने ट्वेंटी फोर आए और ऐड करने पर सेवन रूट टू आए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, जो रूट वाला होता है ना वो सबसे ईजी होता है, सबसे पहली बात, क्यों, क्योंकि इसमें रूट टू है ना, तो ऐसा देखना है अपन को, ये जो रूट टू है ना इसको डिवाइड कर दो पहले, जैसे ये रूट टू है ना तो इसको क्या दो से डिवाइड कर दो, एक तरीका है, तो कितना बचा बारह। अब बारह के दो फैक्टर कर दो जिनको गुणा करने पर बारह आए और ऐड करने पर सात आए, तो चार और तीन, ठीक है। तो अब दो फैक्टर होंगे, उनके साथ रूट टू लगेगा, इसके साथ रूट टू लगेगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सेवन रूट टू आएगा, ये आ गया, बट इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं बोल रही हूँ, फोर इंटू थ्री करेंगे ट्वेल्व, अब रूट टू कितना हो जाएगा टू, फिर ट्वेंटी फोर हो गया, समझ में आया। तो अब दोनों रूट क्या आएंगे, प्लस प्लस क्या आएंगे दोनों रूट, समझ में आ गया ये। तो अब एक रूट तो हो गया फोर रूट टू, एक रूट हो गया थ्री रूट टू, कैसे निकाला समझ में आया। अब ये चीज़ इसमें करेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस फाइव रूट टू वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या कहा, यार रूट है ना तो दो से डिवाइड कर दो छः, ठीक है। अब छः के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, अब छः के करेंगे अपन, ठीक है, छः के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिसको गुणा करने पे तो छः आ जाए और ऐड करने पे पाँच आ जाए, ठीक है। छः के कौन से होते हैं, तीन और दो ही होते हैं, तीन दूनी छः, तीन और दो होते हैं, अब तीन दो को ऐड करने पे पाँच आ रहे हैं, बट रूट अब टू से डिवाइड किया है, दो संख्या है तो आधा आधा कर देंगे, तो यहाँ पर भी रूट टू आ जाएगा, यहाँ पर भी रूट टू आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करके देखो, तीन दूनी छः और ये रूट टू गुणा होगा दो, तो सिक्स इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व हो जाएगा, समझ में आया। तो ये दोनों फैक्टर भी प्लस के आएंगे, ठीक है, तो थ्री रूट टू टू रूट टू। अब देखो चेक करो, फोर रूट टू, अब फोर रूट टू इन दोनों से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। अब देखो सब में रूट टू है तो रूट टू को क्यों कंपेयर करना, क्योंकि सभी चीज़ों में रूट टू है तो डायरेक्ट नॉर्मल संख्या को कंपेयर करें ना, तो चार इन दोनों से बड़ा ही है, दोनों से ही बड़ा है। अब तीन इक्वल है एक से तो अरे एक से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल बाई, क्लियर हो गया होगा। अब तो रूट वाला कैसे करना है, ठीक है, इनको समझ में नहीं आया वीडियो रोक के आप वापस देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीन क्वेश्चन ही बाकी है दोस्तों, जल्दी अपन अर्थमेटिक भी स्टार्ट करेंगे, पर अर्थमेटिक में दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि लिखना बहुत पड़ेगा, तो मैं देख रहा हूँ कि पहले कुछ लैपटॉप का ही, मतलब लैपटॉप है मेरे पास पर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि डायरेक्ट ऑनलाइन ली जाए आपकी क्लास, तो उसमें मेरे को लिखना कम पड़ेगा, डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ा देंगे अपन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्टींथ, सिक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सारे टाइप कवर किए थे उन्होंने, इसमें दोनों फैक्टर क्या आएंगे, प्लस क्या आएंगे। अब तीन को इससे करेंगे, कितना हो गया छः, ठीक है, छः के फैक्टर करने और जोड़ने पर सात आ जाए, तो अब इसी सिक्स इंटू वन ही करेंगे, सिक्स प्लस वन ये हो जाएगा। अब डिवाइड बाई थ्री करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड बाई थ्री करेंगे टू आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई थ्री करेंगे पॉइंट थ्री थ्री आएगा, ठीक है, थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये है फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसमें क्या पहले वाई कॉमन ले लो, ठीक है, वाई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो वाई की एक वैल्यू तो आ गई जीरो, ठीक है, एक वैल्यू आएगी फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक बार तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, अब एक बार इसको करेंगे फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये उधर जाएगा फोर वाई की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन बाई फोर, तो देखो वाई की वैल्यू एक तो आई जीरो और एक वाई की वैल्यू आई पॉइंट टू फाइव। अब देखो कंपेयर कर लो, टू इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, पॉइंट थ्री थ्री, पॉइंट थ्री थ्री भी इन दोनों से बड़ा है, पॉइंट थ्री बड़ा ही इन दोनों से, ऑब्वियसली बात है, तो क्या हो गया आंसर आया, एक्स ग्रेटर देन वाई, क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों आप कमेंट करो, आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसके ऊपर कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों तो कमेंट में करो, जो भी आपको लगे ना उसके बाद वीडियो के बारे में बताओ आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी है सिक्स एक्स प्लस वन सिक्स एट, और दोस्तों मेंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जैसे क्लार्क मेंस में, तो उनके बड़ी बड़ी संख्या के फैक्टर कैसे करना है ना, उसके बारे उसके लिए ये क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ, तो आप उसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हो जाएगा जल्दी से। अब जैसे इसका है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स प्लस वन सिक्सटी एट इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन, ठीक है, तो ये तो दोस्तों जो थोड़ा दिमाग वाला होगा वो तो इसके फैक्टर नहीं करेगा पहले, क्योंकि सिंबल निकालेगा। देखो दोनों साइन क्या है,
माइनस प्लस से क्या आता है, दोनों प्लस प्लस, इधर दोनों प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, तो आंसर आ गया एक्स ग्रेटर देन वाई, क्योंकि प्लस प्लस वाली दोनों संख्या माइनस माइनस हमेशा ही बड़ी होगी ना, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई। बट अगर इसके फैक्टर करना है ना तो ओपन करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा, इसको पहले दो से डिवाइड करो, उससे डिवाइड करो, तो बहुत बड़ा आ जाएगा। एक तरीका और मैंने वो बताया था, स्क्वायर 168 के पास किसके स्क्वायर, 12, इससे पहले 12, इसके बाद 13, तो 12 13 के आसपास दो संख्या लेनी है अपन, ठीक है। तो क्या करते हैं, 12 इंटू 12 करेंगे तब तो 168 आएगा, 12 इंटू 13 करके देखते हैं तो भी नहीं आएगा, 13 दून 56, 13 कम 13 तो भी नहीं आएगा। फिर अपन करते हैं एक 12 और 14 लेते हैं, ठीक है। तो देखो 12 और 14 करेंगे, 14 दो 28, 2 14 कम 14 15 16 आ गया, तो ऐसा पकड़ में आएगा 12 और 14, दोनों को ऐड करने में 26 भी आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया। वैसे आंसर तो अपन को पहले ही पता चल गया, वापस फिर भी करते हैं अपन। अब ये है वाई स्क्वायर प्लस 37 प्लस वाई प्लस 330, अब अपन को दो फैक्टर करने हैं जिससे 330 आए। अब देखो लास्ट में जीरो आ रहा है, ठीक है, लास्ट में जीरो वाला मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट में जीरो कहाँ कहाँ से आएगा, जो एक संख्या 5 से होगी एक 2 होगी, या एक संख्या बड़ी होगी फिर, या दोनों 10-10 वाली होगी तभी जीरो आता है किसी संख्या के लास्ट में। तो जैसे एक संख्या 5 से लास्ट में 5 होगा, एक के लास्ट में 2 होगा तभी आएगा, ठीक है। अब देखो 37 है, अब 37 के दो फैक्टर क्या क्या होंगे, या तो 25 हो या, ठीक है, या ये 12 हो, ठीक है, या ये 12 हो, ठीक है, यही हो सकता है, और कोई पॉसिबल केस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो 25 × 25 प्लस 12 37 भी आ रहा है, और इनको गुणा कर लो, 12 × 5 = 60, 6 × 2 = 24 से 30, ठीक है, तो ये तो नहीं बन रहा दोस्तों, 12 × 5 = 60, 6 × 2 = 24 से 30, तो या तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 330 नहीं आएगा, यहाँ 330 नहीं आएगा दोस्तों, 300 ही आएगा, मैंने गलत लिख दिया है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, 330 ही आएगा, क्योंकि अपन ने एक ही केस लिया। मैंने क्या बोला था, लास्ट में एक संख्या 5 होगी या लास्ट वाली एक संख्या 2 होगी, ठीक है, अपन ने इसको 2 लिख दिया, ठीक है, ये चेक कर लिया, तो यहाँ पे 1 भी तो आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, तो 12, 15 और 22 से भी तो हो रहा है ये, ठीक है। अब इनको गुणा करो, 15 × 22 कर, 15 × 2 = 30, 15 × 2 = 30, 31 = 33, ठीक है, तो सही था, 22 और 15 दो फैक्टर ये आ गए, दोनों को ऐड करने 37 आ रहा, मल्टीप्लाई करने 330 आ रहा। अब देखो प्लस, और ये तो बड़ा ही है ऑब्वियसली, चेक ही क्या करना है, तो आंसर हो गया, बस मैंने बताया फैक्टर निकालना, ठीक है। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपके डाउट क्लियर होंगे कुछ ना कुछ, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये दोनों वीडियो देख लेना। x = √64, अब देखो पहले रूट लग रहा है तो x के दो फैक्टर आएंगे जो क्या आएंगे, केवल प्लस में ही आएगा, पहले रूट लग रहा है, तो ये किसका है, 8 का स्क्वायर रूट है। फिर यहाँ y = अब यहाँ क्यूब रूट है, ठीक है, किसका क्यूब होता है, 4, ठीक है, ये x का है, ये y का, बट अगर जब क्यूब में आता है ना तो जो फैक्टर आएगा ना वो केवल प्लस में ही आएगा हमेशा, तो 8 हमेशा 4 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ आएगा x > y, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे केस सॉल्व कर दिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, नई वीडियो आएगी ना उसके अंदर उसको सॉल्व करके बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट कर दो, और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे।